राइज एंड शाइन क्लास 9 के बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं आपकी एसचैन बुक बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 1 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूले, जिससे कि आपको टाइमली मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। बच्चों ये जो चैप्टर है इनके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हम लोग 4 पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं, ये पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन ऑयल प्रोडक्शन इज, इट इज गोल्डन रेवोल्यूशन, इट इज येलो रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन या ब्लू रेवोल्यूशन। कि ऑयल का प्रोडक्शन अच्छे से हो तो इसमें कौन सा रेवोल्यूशन हमने किया था? तो देखिए रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन वो प्रोसेस होता है इन विच अ फोर्सिबल ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट और सोशल ऑर्डर इन द फेवर ऑफ न्यू सिस्टम, जिसमें कि एक नया सिस्टम लागू होता है गवर्नमेंट की साइड से या सोसाइटी की साइड से। दे आर 16 मेजर टाइप ऑफ रेवोल्यूशन और जिसमें से कुछ है जैसे कि आपको ये गोल्डन रेवोल्यूशन दे रखा है जूट के लिए है, येलो रेवोल्यूशन हमारे ऑयल प्रोडक्शन के लिए है तो ये बी आए सही, व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए था, ब्लू रेवोल्यूशन आपके प्रोडक्ट ऑफ फिशरीज के लिए था, ठीक है। इसी तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत फेमस है जो कि एग्रीकल्चर के लिए था, तो ए का ये फर्स्ट का बी आंसर ठीक हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं, द प्लेस फॉर कीपिंग एंड स्टडिंग ड्राई प्लांट इज कॉल्ड, वो प्लेस जहाँ पर कि हम स्टडी के लिए ड्राई प्लांट्स को रखते हैं, इज इट आर्बोरियम, इट इज वस्कुलम, इट इज हर्बेरियम और इट इज म्यूजियम। तो देखिए अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है सी हर्बेरियम। हर्बेरियम वो फाइल्स होती हैं जहाँ पे कि हम ड्राई प्लांट्स को रखते हैं। अगर हम यहाँ पे आर्बोरियम के बारे में बात करते हैं तो आर्बोरियम इज एन आउटडोर लिविंग ट्री म्यूजियम, ठीक है। आर्बोरियम क्या होता है, आउटडोर लिविंग ट्री म्यूजियम होता है। वस्कुलम क्या होता है, वस्कुलम इज अ कंटेनर यूज टू कलेक्ट द प्लांट। म्यूजियम क्या होता है, जहाँ पर कि हम कंजर्व रखते हैं आर्टिफैक्ट्स को, ऑब्जेक्ट को, कल्चरल और साइंटिफिक इम्पोर्टेंस को। जबकि हमारा जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा हमारा हर्बेरियम, दिस इज गोइंग टू बी सी। थर्ड की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या नहीं होता है? तो देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में ग्रीन मैन्यूअर होता है, केमिकल फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स का यूज करा जा रहा है जो कि ऑर्गेनिक नहीं कहलाएंगे, तो ये बी आएगा आपका सही आंसर। पल्सेस आर रिच इन, जो पल्सेस है मैंने डाले हैं वो किस में रिच होती हैं? तो हमको पता है जो पल्सेस हैं वो प्रोटीन में काफी ज्यादा रिच होती हैं, तो सही आंसर आएगा प्रोटीन, तो बी आंसर यहाँ पे आएगा सही। तो पल्सेस आर द ड्राइड शीट्स ऑफ द लेग्यूम प्लांट, दे आर रिच इन प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल पल्सेस इंक्लूड ड्राई बीन्स, ड्राई पीस, चिकन पी एंड लेंटिल्स। अब इसके बाद करेंगे बात हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। बच्चों अगर आपके पास एसचैन और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को चेकआउट कर सकते हैं, घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एसचैन और एनसीईआरटी की बुक। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, द टेक्निक यूज्ड टू ऑब्टेन वैरायटी विद हाई यील्ड एंड अदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए हम आजकल नेचुरल मेथड्स के अलावा बहुत सारी टेक्निक्स का भी यूज करते हैं जिसमें कि हम अच्छी यील्ड वाले हाई यील्ड वैरायटी को भी प्रोड्यूस करते हैं और जो कैरेक्टर हमको चाहिए उसको भी हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इट इज इंट्रोडक्शन, दिस टेक्निक इज नोन एज इंट्रोडक्शन, नो। इज इट कॉल्ड सिलेक्शन, नो। इट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन वो मेथड होता है जिसमें कि हाई यील्ड वैरायटी हमको मिलती है जो कि डिजायरेबल करेक्टर के साथ जो मिलता है, और इट इज कॉम्बाइनिंग ऑफ द जीन ऑफ टू डिफरेंट प्लांट स्पीशीज टू फॉर्म अ हाइब्रिड वैरायटी दैट कंसिस्ट ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स फ्रॉम द बोथ स्पीशीज। फिर यहाँ पे 6 आता है, पूसा लर्मा इज इम्प्रूव वैरायटी ऑफ, जो पूसा लर्मा है वो किसकी इम्प्रूव वैरायटी है? अगर मैं पूसा लर्मा के बारे में बात करूँ तो बीट की इम्प्रूव वैरायटी है। सो पूसा लर्मा इज एन एम्बर कलर्ड, किस कलर का होता है? इट इज अ एम्बर कलर्ड ग्रेन, इट इज अ एम्बर कलर्ड ग्रेन। तो पूसा लर्मा इज द एम्बर कलर्ड ग्रेन विच वॉज अप्रूव्ड इन 1971, इसको अप्रूवल कब मिला था? 1971। इट वॉज डेवलप्ड बाय द इरिडेशन ऑफ लर्मा रोजी, अ फॉर्म ऑफ मेक्सिको विद गामा रेस। द लर्मा रोजो इज अ सेमी ड्राफ, कैसा होता है? इट इज अ सेमी ड्राफ, मतलब ना तो पूरी तरह से लंबा ना पूरी तरह से छोटा। इट इज अ सेमी ड्राफ रेड ग्रेन वैरायटी ऑफ व्हीट।
तो वी कैन से पूसा लर्मा इज द म्यूटेंट वेराइटी ऑफ लर्मा रोजो एंड इट्स अ वेराइटी ऑफ वीट। सेवेंथ की बात करते हैं, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन डेफिनेट रो, कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप को डेफिनेट रो में उगाने को हम क्या बोलते हैं, इज इट मिक्स फार्मिंग, इज इट मिक्स क्रॉपिंग, इट इज इंटरक्रॉपिंग, इट इज क्रॉप रोटेशन। तो हमें पता है कि हम एक और दूसरी क्रॉप को उगा रहे हैं तो इंटरक्रॉपिंग ये कहलाएगा, सेवेंथ का सी आंसर सही होगा। सो ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन डेफिनेट रो पैटर्न इज नोन एज द इंटरक्रॉपिंग। एट की बात करते हैं, द बॉटनिकल नेम ऑफ द धैंचा इज, तो बॉटनिकल नेम जो धैंचा का है वो क्या है, तो देखिए बॉटनिकल नेम जो बनता है वो दो चीजों से बनता है, जीनस प्लस स्पीशीज। तो पहले उसका जीनस नेम रखते हैं फिर स्पीशीज नेम रखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखिएगा क्योंकि आगे के जो एमसीक्यूज हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं। अगर मैं बात करूं धैंचिया का बॉटनिकल नेम, उससे पहले हमें ऑप्शन में दे रखा है क्रोटोलेरिया ज्यूसिया। जो क्रोटोलेरिया ज्यूसिया है एक्चुअली किसका बॉटनिकल नेम है, सन हेम्प का, इसका है सन हेम्प का बॉटनिकल नेम है। तो सन इसका जीनस है, स्पीशीज इसकी हेम्प है। अगर लेंस क्लूनेरियस की बात करें तो जो लेंस क्लूनेरियस है वो लेंटिन्स का है बॉटनिकल नेम, किसका है, लेंटिन्स का, मतलब कि दाल। ये कैसी होती है, एडिबल, खाने के काम में आती है, ठीक है। और ये जो आपका सन हेम्प है ये क्या है, ये लेग्यूम है। और ये आपका ग्रीन मैन्यूअर है, कैसा मैन्यूअर है, इट इज अ ग्रीन मैन्यूअर। इसके बाद हम बात करें ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, तो ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम जो है ये इजिप्शियन क्लोवर है, क्या है, इजिप्शियन, इट इज अ इजिप्शियन क्लोवर। और ये भी फॉडर है, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ फॉडर। फोर्थ की बात करते हैं, दिस इज सेस्पेनिया एक्यूलिएटा, तो ये जो है सेस्पेनिया एक्यूलिएटा ये धैंचा का बॉटनिकल नेम है, जिसमें सेस्पेनिया जीनस है और जो स्पीशीज है वो एक्यूलिएटा है। तो धैंचा ये भी लेग्यूम है, ग्रीन मैन्यूअर है। तो बॉटनिकल नेम जो होगा धैंचा का वो होगा सेस्पेनिया एक्यूलिएटा। तो सही ऑप्शन डी आ जाएगा, लेकिन याद रखिएगा आगे के ऑप्शन के लिए। कॉर्टोलेरिया जेंसिया इज अ सन हेम्प, लेंस क्लूनेरियस इज अ लेंटिन, और ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम इज अ इजिप्शियन क्लोवर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो यहाँ पे पूछा है सन हेम्प, बॉटनिकल नेम ऑफ सन हेम्प इज, तो अभी हमने बात करी थी जो बॉटनिकल नेम है सन हेम्प वो क्या है, इट इज कॉर्टोलेरिया जुंसिया, है ना, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद पूछा है बॉटनिकल नेम ऑफ लेंटिन, दाल का जो बॉटनिकल नेम है वो कौन सा है, तो देखिए कॉर्टोलेरिया जुंसिया तो हमारा सन हेम्प का है, सेस्पेनिया एक्यूलिएटा ये धैंचिया का है, अब बचते हैं लेंस क्लूनेरियस और ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। तो इन दोनों में से जो लेंटिन का जो नेम है वो है लेंस क्लूनेरियस, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर है बॉटनिकल नेम इजिप्शियन क्लोवर का, हमने देखा क्रोटोलेरिया जेंसिया इज अ सन हेम्प नेम, लेंस क्लूनेरियस इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ लेंटिन, फिर आता ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ इजिप्शियन क्लोवर, क्योंकि फिर ये आता है सेस्पेनियम एक्यूलिएटा ये धैंचिया का नेम है बॉटनिकल, तो ये चारों आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर द क्रॉप प्लांट, कैल्शियम आयरन मैग्नीशियम पोटेशियम में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है क्रॉप प्लांट के लिए। देखिए क्रॉप प्लांट्स को मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं उसके अच्छे से प्रोडक्शन के लिए। सो देयर आर 7 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट एलिमेंट डिफाइंड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड दे आर न्यूट्रिएंट एक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट 7 होते हैं जो हमको स्मॉलर अमाउंट में चाहिए होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, बोरोन होता है, जिंक होता है और मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, मॉलीबिडनम होता है और क्लोरीन होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में कैल्शियम दे रखा है, ठीक है कैल्शियम यहाँ पर है नहीं तो कॉपर है, और आयरन दे रखा है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा हो जाएगा, आयरन इज द करेक्ट आंसर।
अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, द कॉमन बायो फर्टिलाइजर। बायो का मतलब क्या होता है? जो कि हमारा ऑर्गेनिक हो जनरली। फर्टिलाइजर यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग आर मार्गोसा, पायरेथ्रम, ग्रीन मैन्यूअर, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया। तो जो बायो फर्टिलाइजर्स है, पहली बात तो बायो मतलब लिविंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सही आंसर आएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया आर द बायो फर्टिलाइजर यूज इन दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन द सेम फील्ड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन। माने कि आप अलग अलग तरह की क्रॉप्स को एक ही फील्ड में उगा रहे हो और ये ऑलरेडी प्री प्लांट है, तो इज इट क्रॉप मैनेजमेंट, इट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है ना कि आप अलग एक तरह की आपने क्रॉप लगाई, इस तरह की लगाई जिसने कि जमीन की सारी न्यूट्रिशन ले लिया, फिर दूसरी तरह की क्रॉप लगा रहे जो कि उन्हीं न्यूट्रिशन को वापस कर रहा है। क्रॉप मैनेजमेंट में आप मैनेज करते हैं चीजों को। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि आप डिफरेंट क्रॉप्स लगाते हैं सेम फील्ड में, तो इंटरक्रॉपिंग इसका सही आंसर आएगा। एक्चुअली इंटरक्रॉपिंग को हम लोग मोनोकल्चर के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, मोनोकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, ये आपके सॉइल की जो वेराइटी उसको अच्छा कर देता है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, तो डिफरेंट क्रॉप जो सेम फील्ड में हम लोग उगा रहे प्री प्लांट सक्सेशन के साथ, उसको इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। इसको मोनोकल्चर भी कहा जाता है। मेन एम जो होता है इंटरक्रॉपिंग का, वो होता है इंक्रीज द यील्ड ऑफ अ क्रॉप इन अ गिवन पीस ऑफ अ लैंड विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज दैट आर यूजुअली नॉट यूज्ड। फिर आता है क्वेश्चन आपका, मे बी बुक में इसका आंसर प्लांट ब्रीडिंग है। तो ब्रीडिंग का मतलब होता है दो डिफरेंट ब्रीड्स को हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू उगाना, तो उसमें डिफरेंट क्रॉप्स को सेम फील्ड में नहीं उगाया जाता, तो इसका सही आंसर सी ही आएगा। फिर आता 15, मैक्सिमम मिल्क यील्डिंग बफेलो इज। अगर हम इसकी बात करें कि जो मैक्सिमम मिल्क यील्डिंग बफेलो है वो कौन है, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, नागपुरी, श्रुति, मेहसाना और मुर्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, मुर्रा है। ये मैक्सिमम मिल्क यील्डिंग बफेलो है, सब बहुत ज्यादा मिल्क इससे यील्ड होता है मुर्रा से। तो मुर्रा इज नोटेड टू हैव द हाईएस्ट मिल्क यील्ड अमंग इंडियन बफेलो ब्रीड एंड अ मुर्रा बुफेलो मिल्क यील्ड यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 10 लीटर पर डे टू 16 लीटर पर डे। जो मुर्रा है वो 10 लीटर से 16 लीटर एक दिन में दूध देता है ये स्पीशीज। फिर आता है नाउ क्वेश्चन नंबर 16, लैक्टेशन पीरियड इज मैक्सिमम इन। तो देखिए लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, जब एक काओ जो माँ बनती है मतलब की काफिंग करती है, उसके बाद उसका दूध देना स्टार्ट हो जाता है, तो वो मैक्सिमम कितना होता है? अगर ऑप्टिमम हम बात करें कि लैक्टेशन पीरियड जो मैक्सिमम होता है वो 305 डेज होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, फ्राइज बाल में ऑलमोस्ट 300 डेज होता है, साई बाल में भी ऑलमोस्ट 300 डेज है, उससे कम होता है, हॉलिस्टिन फ्रेशियन में 305 डेज होता है और करन स्वीज में भी ऑलमोस्ट 300 डेज होता है। तो सबसे ज्यादा हॉलिस्टिन फ्राइज बाल में लैक्टेशन पीरियड होता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्जोटिक ब्रीड ऑफ पोलिट्री वर्ड हैविंग हाई एग लेइंग कैपेसिटी। कि एक्जोटिक माने कि इंडियन ब्रीडिंग में क्या होता है कि दो स्पीशीज होती हैं आपकी, उनको ब्रीड करवा जाता है। एक मे बी आपकी लोकल ब्रीड हो इंडियन, जिसको बोलते हैं इंडिजीनियस, और एक बाहर की हो, तो इस तरह से होता है। तो जो अगर हम एक्जोटिक ब्रीड के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पोलिट्री वर्ड जो सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग कैपेसिटी के एग ले करती है वो कौन है? इज इट वाइट लेग हॉर्न, इट इज ब्रॉयलर्स, इट इज वाइट कॉर्निश, इट इज न्यू हेमिस्पेयर। सो एक्सोटिक ब्रीड ऑफ पोलिट्री वर्ड हैविंग हाई एग लाइंग कैपेसिटी इज वाइट लेग हॉर्न। तो सही ऑप्शन आ जाएगा वाइट लेग हॉर्न। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं, द फंगस डिसीज कॉजिंग मैक्सिमम डेथ ऑफ पोलिट्री बर्ड। एक फंगस डिसीज जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डेथ होती है पोलिट्री बर्ड्स में, तो वो कौन सी है? इज इट कॉरिजा, इट इज पोलोरियम, इट इज रिकेट, इट इज एस्परगिलोसिस। तो सही आंसर है एस्परगिलोसिस। तो एस्परगिलोसिस इज अ फंगल डिसीज अकरिंग इन पोलिट्री वर्ड्स। द डिसीज इज कॉज बाय द एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। किसके थ्रू होता है? इसका नाम है एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। उसके बाद है 19 वाला, द मेथड मैक्सिमम यूज इन कैटल ब्रीडिंग इज। वो मेथड
जो कि मैक्सिमम यूज किया जाता है कैटल ब्रीडिंग में, वो कौन सा है? रैंडम मेटिंग है कि रैंडमली हमने दो कैटल्स ली और उसको मीट करवा दिया, तो वो तो नहीं है रैंडमली। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है कि जो उसका मेल जो वो है कैटल, उसका सीमन करंट लगा के लिया गया और फीमेल में इंजेक्ट कर दिया, इट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कंट्रोल ब्रीडिंग है, तो कंट्रोल ब्रीडिंग होगी तो मैक्सिमम तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम यूज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हर किसी को पैसा कमाना है, पैसा कमाने के चक्कर में वो मैक्सिमम में ब्रीडिंग को कंट्रोल तो नहीं करेगा। सुपर ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो यहाँ पर अगर मेथड मैक्सिमम यूज इन कैटल ब्रीडिंग, तो सही ऑप्शन यहाँ पर जो 19 का है वो है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट लगा के जो भी आज भी यूज किया जाता है डेरीज में, कि करंट लगा के जो मेल होता है उसका सीमन निकाला जाता है और फीमेल में इंजेक्ट किया जाता है, तो 19 का यहाँ पे बी वाला ऑप्शन ठीक आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फिर आता है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ काउ। अभी हम लोगों ने बात करी थी ना इसके बारे में कि हॉलिस्टीन जो है उसका 305 होता है और हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ काउ हॉलिस्टीन है, तो ऑप्शन ए 20 का सही आएगा। सो हॉलिस्टीन इज अ टाइप ऑफ अ कैटल रिफर्ड टूडे एज द वर्ल्ड मोस्ट नोट वर्थी क्रिएशन डेयरी क्रिएचर, इट इज हाईली कॉन्ट्रास्टिंग बिकॉज ऑफ द फेक चॉइसेस बाय द रिप्रोड्यूसर, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। इस वीडियो में टोटल 27 क्वेश्चंस में सॉल्व करने वाली हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैक्स ग्लैंड ऑफ हनी बी आर प्रेजेंट इन, जो वैक्स ग्लैंड होती है हनी बीज की वो किस में होती है प्रेजेंट, इज इट इन क्वीन, इज इट इन देयर ड्रोन्स और वर्कर्स और बोथ ए एंड सी। तो जो वैक्स बनाने का जो काम करते हैं या वैक्स ग्लैंड जो होते हैं वो वर्कर्स में होती हैं, किस में होती हैं? वर्कर्स में। अगर मैं क्वीन बी बी के बारे में बात कर रही हूँ, इट इज कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ द हाइव, द अदर बीज वर्किंग विल सपोर्ट द क्वीन बी एग लाइन प्रोडक्टिविटी, हाउएवर क्वीन बी डू नॉट हैव द एब्डोमिनल वैक्स ग्लैंड, इनमें तो नहीं होती है। ड्रोन्स की बात करें, इट इज अ मेल हनी बी एंड द रिमार्केबल थिंग टू नोट दैट ये बच्चे पैदा करने में हेल्प करते हैं क्वीन के साथ, और जो वर्कर्स हैं इनके पास वैक्स ग्लैंड होती हैं और ये हेल्प करते हैं, दीज हैव द एबिलिटी टू सीक्रेट वैक्स फ्रॉम देयर 8 एब्डोमिनल वैक्स ग्लैंड, दीज ग्लैंड आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द शुगर कंटेंट ऑफ द हनी इन टू वैक्स, द वैक्स ग्लैंड हैव डिफरेंट साइजेस विच डिपेंड अपॉन द हाउ ओल्ड और यंग द वर्कर बी इज, सो एज इज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैक्स साइजेस, सही आएगा सी। 22 के बारे में बात करते हैं, ड्रोन्स इन हनी बी कॉलोनी आर बॉर्न आउट फ्रॉम, तो ड्रोन्स जो है वो मेल हनी बी है, अ रिमार्केबल थिंग टू नोट दैट दे डू नॉट हैव स्टिंगर एंड दे कैन नॉट गैट नेक्टर ऑफ पोलन, ड्रोन्स ऑल्सो डू नॉट पजेस एब्डोमिनल वैक्स ग्लैंड, दे हेल्प देम इन इन द प्रोडक्शन ओनली, तो ड्रोन्स इन द हनी बी कॉलोनी आर बॉर्न आउट फ्रॉम अनफर्टाइल एग, फर्टाइल एग एंड वेल नरिश्ड लार्वा, सेम एज वर्कर बी नो फर्टिलाइज्ड एग गिविंग हीट ट्रीटमेंट। तो अगर हम इनकी बात करते हैं, जो ड्रोन्स हैं कॉलोनी के, दे बॉर्न आउट फ्रॉम दी एक्चुअली अनफर्टाइल एग, तो यहाँ पर 22 का ए वाला सही आ जाएगा, दे आर डेवलप फ्रॉम दी अनफर्टाइल एग इनटू ड्रोन भी। ओके, इसके बाद हमारे फर्टिलाइज्ड एग हैं और ये सब सही आंसर्स नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23, सेवरल एम्ब्रो कैन बी प्रोड्यूस एट अ टाइम इन अ सिंगल काउ, कई सारे एम्ब्रोस एक काउ में एक ही टाइम में प्रोड्यूस हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इट इज फ्रॉम एम्ब्रो ट्रांसफर, क्योंकि काफी सारे एम्ब्रो हो रहे हैं एक साथ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एम्ब्रो ट्रांसफर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आ जाएगा। तो एम्ब्रो ट्रांसफर इज अ टेक्निक यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम अ सिंगल काउ, हेंस दिस इज अ करेक्ट आंसर। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस में वैरायटी हम लोग अच्छी करते हैं जिससे कि डिजायर करेक्टर आ पाए, नॉट मल्टीपल ऑफ स्प्रिंग के बारे में नहीं है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं, इट इज अ प्रोसीजर इन विच स्पर्म आर डायरेक्टली प्लेस्ड इनटू द यूटेरस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड इट लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम अ काउ एट अ वन टाइम, ठीक है। और जो आपकी ये जो है रैंडम मेटिंग में क्या होता है, रैंडम मेटिंग प्रोड्यूस ओनली वन ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम अ सिंगल काउ एट अ टाइम, तो यहाँ पे काफी मल्टीपल लेने तो एम्ब्रो ट्रांसफर करना पड़ेगा। चलिए 24 के बारे में बात करते हैं, रिंडरपेस्ट डिसीज ऑफ पोलिट्री इज कॉज्ड बाय, जो रिंडरपेस्ट डिसीज है
वो एक तरह से क्या है, इट इज अ कैटल प्लेग, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो है डिसेंट्री, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये जो फैलाता है वो कौन सा वायरस, एक्चुअली वायरस फैलाता है रिंडरपेस्ट डिसीज, तो उस वायरस का नाम है पैरा माइक्सो वायरस। तो सही आंसर आ जाएगा सी, वायरस। अब इसके बाद 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो होपफुली कर ही लिया होगा आप लोगों ने, तो अच्छी बात है, नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। क्वेश्चन नंबर 25, द जर्सी बुल यूज्ड फॉर क्रॉस ब्रीडिंग इज अ एग्जॉटिक वेराइटी ऑफ, जो जर्सी बुल यूज किया जाता है क्रॉस ब्रीडिंग के लिए वो एग्जॉटिक वेराइटी है किसकी। तो जो जर्सी बुल है वो इंग्लैंड का है, कहाँ का है, इट इज फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। तो इसके बाद हमें स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड और हॉलैंड भी यहाँ दे रखा है, जो कि इन करेक्ट आंसर्स है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 26, लेयर्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एग अप टू, जो लेयर्स हैं वो अप टू कितने एग्स कितने दिन में ले लेते, तो 500 डेज यहाँ पे सही आंसर आएगा। तो जो है द आंसर इज 500 एग्स, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 500 डेज है एक्चुअली। 27 है, एली कुन्ही इज अ फेमस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निक, जो एली तुमनी है वो किस लिए फेमस है, किस चीज के डेवलपमेंट के लिए फेमस है, ही इज फेमस फॉर दी हाइपोफाइसेशन, ओके। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हाइपोफाइसेशन। तो इट इज अ प्रोसेस यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग ब्रीडिंग बाय यूजिंग केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट, तो ये वो प्रोसेस है जिसमें कि इंट्रोड्यूस किया था केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स को। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल।